गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके में चैप्टर नंबर 12 कैम चैम ये पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या है कि इसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि आप किसी जंगल में घूमने जा रहे हैं, कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातें फॉलो करनी चाहिए। उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उनके ऑप्शन दिए हुए, आपको सही आंसर पर टिक करना है। गोइंग कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट कैन बी ग्रेट फन, कि एक जंगल में कैंपिंग करना यानी घूमने जाना बहुत ही फन की बात है। बट देयर आर रूल्स टू बी फॉलोड, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। डू यू नो व्हाट दे आर, क्या आप जानते हैं क्या रूल्स हैं? अब आगे पढ़िए। नंबर 1, टू कैरी योर गियर फॉर अ कैंप यू नीड अ, कि आपको कैंप में जाते समय अपने साथ क्या ले जाना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, रक्सैक, प्लास्टिक बैग। रक यानी बोरी, वो ले जानी चाहिए, या फिर प्लास्टिक का बैग, रक्सैक। नंबर 2, यू नीड टू टेक अ पेयर ऑफ हाई हील शूज़, स्टडी शूज़ और बूट्स, कि आपको वहाँ जाने के समय अपने साथ कौन से जूते ले जाने चाहिए। एक तो एड़ी वाले, या फिर ऐसे शूज़ या बूट्स जो कि आप वहाँ पे आराम से कैरी मतलब चल सको। नंबर 3, द क्लोथ्स दैट यू टेक शुड बी, आपको कौन से किस तरह के कपड़े पहनकर जाने चाहिए, ब्राइट या फिर डल। डल ब्राइट कलर के कपड़े क्यों नहीं पहन के जाने चाहिए, आपको मालूम है? क्योंकि ब्राइट कलर दूर से ही चमकता है, और जंगल में जानवर होते हैं, अगर आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनोगे तो दूर से ही उन्हें दिख जाओगे। नंबर 4, इफ़ यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड और फैमिली एट द कैंप, कि अगर आपको अपने फ्रेंड या फैमिली से कैंप में बात करनी पड़े तो कैसे बात करेंगे। यू कैन टॉक द वे यू डू एट होम, या स्टडी शूज़ और बूट्स। अब वो मालूम है शूज़ और बूट्स तो आएगा ही नहीं, कि आप जिस तरह से अपने घर में बात करते हैं उसी तरह से वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। नंबर 5, यू नीड टू टेक विद यू, अब आपको अपने साथ क्या ले जाने चाहिए, दोनों में से देखिए। अ फर्स्ट एड किट, सम परफ्यूम। अब आप बताओ क्या ज़रूरी होगा उसमें, परफ्यूम ज़रूरी है या फर्स्ट एड किट? फर्स्ट एड किट। नंबर 6, इफ़ यू आर एट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू मस्ट, अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो तो बी क्वाइट वाइल्ड लुकिंग फॉर एनिमल्स, टॉक लाउडली विद योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है कि जब आप जानवर को देखते हैं तो आपको चुप रहना है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जोर जोर से बातें करनी है। आप बताइए, हमें उस समय चुप रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे उन जानवरों का वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। नंबर 7, यू कैन टेक अलोंग योर, आपको अपने साथ क्या ले जाना चाहिए, बाइनाकुलर्स या म्यूजिक सिस्टम। बाइनाकुलर्स यानी दूरबीन। इफ़ यू आर एट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू मस्ट, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर या कैप। अब वहाँ पर फॉरेस्ट में कंप्यूटर का क्या काम, हमारे पास कैप होनी चाहिए जिससे कि हम मौसम से बच सकें। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में एक फॉरेस्ट में जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और अपने साथ क्या ले जाना चाहिए, वो उसके बारे में आपको बताया गया। ओके, थैंक यू।